हे गाइस, दिस इज अनमोल एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किस तरह से आप एक गरीबों के आईफोन को एक अमीरों के आईफोन में चेंज कर सकते हैं बिना किसी लॉन्चर को इंस्टॉल करे। सो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखें। सो गाइस, वीडियो में आगे से बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और उसके साथ में जो बेल आइकन है उसको भी दबा ले ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो गाइस, इस वीडियो में मैं आपको एक थीम के बारे में बताऊंगा। जो थीम है वो किसी भी MI के फोन को एप्पल के iOS में चेंज कर सकती है। जो उसका मतलब पूरा मेन्यू है वो पूरा का पूरा चेंज हो जाएगा। जो उसका ऊपर से नोटिफिकेशन पैनल है वो भी बिल्कुल iOS जैसा हो जाएगा और जो उसके आइकन है सब कुछ वैसा ही हो जाएगा। कैमरा और उसका डायलर सब कुछ बिल्कुल एप्पल जैसा हो जाएगा। सो गाइस, नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दे रखा है, आप वहां से लिंक से जाके इस थीम को डाउनलोड कर लो। सबसे पहले ये जो थीम है वो जो MI का ऑफिशियल थीम स्टोर है उस पर अवेलेबल नहीं है, ये आपको उस लिंक से ही डाउनलोड करनी पड़ेगी। तो आपको लिंक से डाउनलोड करने के बाद क्या करना है, आपको प्ले स्टोर खोलना है अपना और प्ले स्टोर में आप जाकर आपको सर्च करना है MIUI थीम एडिटर। सो ये आपको MIUI थीम एडिटर मिल जाएगा, ये आपको इंस्टॉल करना है। तो मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है तो इसे ओपन कर लेते हैं। तो जैसे ही आप ओपन करेंगे आपको ये इस तरह का कुछ मेन्यू दिखाई देगा आपके। उसके बाद आपको ब्राउज पे क्लिक करना है। ब्राउज पे क्लिक करने के बाद आपको डाउनलोड्स में जाना है, जो आपने थीम डाउनलोड करी है। तो आपकी ये थीम जो है वो इस नाम से प्योर iOS 11.mtz के नाम से, तो आपको इस पे क्लिक करके ओके दबाना है। सो अभी ये ब्राउज कर चुका है। इसके बाद आपको स्टार्ट पर क्लिक करना है। स्टार्ट पर क्लिक करने के बाद ये कुछ प्रोसेसिंग करेगा, तो ये प्रोसेसिंग होने तक आपको थोड़ा सा वेट करना है। वेट करने के बाद आपको जब ये स्क्रीन आ जाएगी आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपको फिर से एक बार फिनिश पर क्लिक करना है। फिनिश पर क्लिक करने के बाद आपको फिर से थोड़ी सी प्रोसेसिंग दिखाई देगी। तो इस प्रोसेसिंग का कंप्लीट होने तक का वेट करना है। ये फ़ोन टू फ़ोन मतलब डिपेंड करता है। मेरा फ़ोन MI Redmi 3S Prime है, तो मेरे में लगभग 1 से 1.5 मिनट लगेगा। और बाकी आपका अगर कोई और फ़ोन है उसमें डिपेंड करता है, पर MI का ही फ़ोन होना चाहिए। ये ऐप सिर्फ MI के लिए अवेलेबल है। तो यहाँ पे लिखा आ रहा है प्लीज़ वेट बिल्डिंग थीम। तो ये यहाँ पे अब हमारा जो थीम है वो कस्टमाइज हो चुकी है। अब यहाँ पे लिखा आ गया कि योर थीम हैज़ बीन सेव, डू यू वॉन्ट टू इंस्टॉल इट। तो हमें इंस्टॉल करने के लिए ओके पे क्लिक करना है। ओके पे क्लिक करते ही आपकी थीम जो है वो इंस्टॉल होने लग जाएगी। तो यहाँ पे लिखा आ गया योर थीम हैज बीन इंस्टॉल्ड। तो अब आपको क्या करना है, ओके पे क्लिक करके आपको इस ऐप से एग्जिट कर देना है। अब एग्जिट करने के बाद आपको क्या जाना है, अपने सेटिंग्स में जाना है और वहां पर थीम का जो मेन्यू है उस पर क्लिक करना है। थीम पे मेन्यू पे क्लिक करने पर आपको दिखाई दे जाएगा यहाँ पे प्योर iOS 11 की थीम। तो यहाँ पे आपको प्योर iOS 11 की थीम पे क्लिक करके अप्लाई कर देना है। तो जैसे ही आप अप्लाई करोगे यहाँ पे आपको पूछेगा कि रीबूट करना है या नहीं, और अगर मैं अभी रीबूट कर दूंगा तो मेरा फ़ोन ऑफ हो जाएगा, जो कि रिकॉर्डिंग हो रही है तो वो बंद हो जाएगी। तो मैं अभी नोट नाउ पे कर देता हूँ और अप्लाई हो जाएगी ये थीम हमारी। तो जैसा कि आप देख रहे हैं प्रोसेसिंग हो रही है पूरी अप्लाइंग की, और ये यहाँ पर थीम को अप्लाई कर रहे हैं अच्छी तरह से। तो भाई ये जैसा कि आप देख रहे हो थीम इंस्टॉल हो चुकी है। जो हमारे आइकन्स है वो सारा चेंज हो चुका है। ऊपर से हम देखें तो नोटिफिकेशन पैनल भी पूरा का पूरा चेंज हो चुका है, जैसे iOS 11 में है सेम टू सेम वैसा नोटिफिकेशन पैनल हो गया। अब मैं आपको यहाँ पे इनका डायलर दिखाऊं, तो आप देखोगे डायलर है जो वो बिल्कुल सेम है आईफोन जैसा ही। और मैं आपको यहाँ पे कैमरा ऐप दिखाता हूँ जो बिल्कुल iOS जैसी है। ये देखिए आपको बिल्कुल सेम iOS जैसी मिल रही है कैमरा भी यहाँ पर। और जो पूरा ओवरऑल थीम है वो बिल्कुल चेंज हो चुकी है, आईफोन जैसी हो चुकी है। और आप जब इसको रीसेट करोगे तो आपको MI के लोगों के बाद आगे आपको एप्पल का भी लोगो दिखाई देगा। तो मैं वो अभी आपको करके दिखा नहीं सकता वरना मेरी रिकॉर्डिंग ऑफ हो जाएगी। सो गाइज, ये काफ़ी अच्छी थीम है, आपको पूरा मतलब iOS का फील दे रहा है आपको एंड्रॉयड के अंदर अंदर ही। तो मतलब अब जो गरीबों का आईफोन है वो अमीरों का आईफोन जैसा भी दिखने लग गया है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और जो उसके साथ में बेल आइकन है उसको भी दबा लेना ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।